ईस्टर वीक के मौके पर कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस इटली के एक रिफ्यूजी शेल्टर होम पहुंचे, जहां पहुंचकर पोप ने इंसानियत की नायाब मिसाल पेश की। अनूठी पहल करते हुए पोप ने हिंदू, मुस्लिम और कैथोलिक शरणार्थियों के पैर धुलकर उन्हें चूमा। आपको बता दें कि ब्रसेल्स हमलों के बाद से यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में मुसलमानों और इमिग्रेट्स के खिलाफ माहौल है। फ्रांसिस ने मार काट की निंदा करते हुए उसे युद्ध की मुद्रा ठहराया और कहा कि हथियार इंडस्ट्री के जरिए लोगों को खून का प्यासा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये बात ईस्टर वीक मास के दौरान रोम के बाहर कासल नोवो डी पोट्रे में एक शरण स्थली में कही। पोप ने कहा कि हम सभी की विभिन्न संस्कृतियां और धर्म हैं, लेकिन हम सभी भाई हैं। साथ ही पोप ने कहा हम शांति से रहना चाहते हैं। ईस्टर वीक के मौके पर रोम के बाहरी हिस्से कैस्टलनु ओवो दी पोर्टो के शेल्टर होम में पोप ने माइग्रेट से मुलाकात की। यहां जब उन्होंने मुस्लिम, ऑर्थोडॉक्स, हिंदू और कैथोलिक शरणार्थियों के पैर धोए तो कई लोग रोने लगे। पोप ने एक एक के पास जाकर उन्हें विश किया। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। आपको बता दें कि बाइबल के मुताबिक जीसस ने सूली पर चढ़ने से पहले इस तरह 12 कैथोलिक पुरुषों के पैर धोए थे। इसे एक तरह की सर्विस कहा जाता है। गौरतलब है ये पहला मौका नहीं है जब फ्रांसिस ने अलग अलग धर्मों के लोगों के पैर धोए हों। 2013 में पोप बनने के कुछ हफ्ते बाद फ्रांसिस ने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में महिलाओं और मुस्लिमों के पैर धोए थे।